जासूस जो होते हैं वो सच्चाइयां निकाल के लेके आते हैं, पर ये जासूस ऐसा है कि इसकी ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ रही हैं जिससे हम इतना ही बोल सकते हैं कि बंदा बहुत ठरकी है। आप अभी बोल रहे होंगे, आप लोगों को पता चला कि भाई जासूस की एक लड़की के साथ चैट करते हुए एक वीडियो जो है हर जगह पर बाहर आ चुकी है, और जिसमें उन्होंने एक लड़की को कुछ कुछ ऐसी बातें बोली। मैं आप लोगों को बताऊंगी और मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगी कि क्या ये रियल है, क्या ये रियल चैट है। अभिषेक मल्हान के मैनेजर जासूस जो है उनका आजकल नाम जो है काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है, और एल्विश भी काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं उनके बारे में, और एल्विश के बारे में भी जासूस काफ़ी सारी बातें कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में जाके जो है कूद पड़ता है जासूस। तो ये बात तो भाई ये रही कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होना चाहता है, अभिषेक का फेम कहीं ना कहीं देखा है ना इस बंदे ने, तो ये चाहता है कि ये सब चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सी करके मैं भी बिग बॉस में चला जाऊँ और मैं भी इतना ज़्यादा प्यार कमाऊँ। पर प्यार जब करना होता ना पब्लिक को, तभी ऊपर वाला बुलावा भेजता है और बिग बॉस में भेजता है। तो अभी वो चैट क्या है, चैट अभी एल्विश आर्मी के एक फैन पेज ने जो है इस चैट को लीक किया है, इस चैट को सामने लेके आए हैं वो फैन पेज। और वो चैट ये है कि जो जासूस है उनका एक अलग अकाउंट है जिसपे 13,000 फॉलोवर है, 13,000 फॉलोवर है, बहुत ही ज्यादा है अगर देखा जाए तो उस अकाउंट से जो है वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, और फ्लर्टिंग करते करते जो है ये बात बोल रहे हैं कि मैं फुकरा का दोस्त हूँ, तुम मुझे मिलने आओ। यानी कि ये लड़की को यूज करने की कोशिश कर रहा है और लड़की को बुला रहा है क्योंकि वो अभिषेक का दोस्त है। तो ये सब चीज़ें जब बाहर आई तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि देखो जासूस कितना गंदा है, एक लड़की ये इसका नाम अभिषेक का नाम इतना ज़्यादा खराब कर रहा है और अभिषेक इसको रोक तक भी नहीं सकता है क्या। ये सब चीज़ें अभी जासूस ने जो है अभी इसका एक रिप्लाई दिया है, जासूस ने ये बात बोला है कि कुछ रियल लेके आओ, मज़ा नहीं आया। मेरा अकाउंट एक ही है, मैं इतना पागल नहीं हूं कि ऐसा किसी को मैसेज करूंगा। अब इन्होंने ये बात बोल दी है। ये अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि भाई ये जो चैट है ये रियल है या नहीं, रियल लग रही है मुझे, कोई इसमें एडिटिंग ये वो नहीं लग रही। और तो और ये फुकरा इंसान जो है, निश्चय जो है, ट्रिगर इंसान जो है, वो जासूस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं पर दूसरे अकाउंट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो दूसरा अकाउंट जासूस का है या नहीं उनको नहीं पता, पर जासूस ने अकाउंट खोल के रखा है ये बात मुझे कैसे पता चली। पर जासूस का कहना ये है कि उनके पास एक ही अकाउंट है, जासूस का अगर दूसरा अकाउंट नहीं है तो जासूस अपने मेन अकाउंट से उस अकाउंट को फॉलो क्यों करते हैं, वो इतना बड़ा तो चैनल है नहीं, इतना बड़ा तो पेज है नहीं, इंस्टाग्राम तो है नहीं कि आप जाके उस पर वो करो फॉलो करो, और उसके ऊपर ऑलमोस्ट जासूस की ही सब अपलोडिंग जो है वो हुई हुई है, तो डेफिनेटली जासूस का ही है। और जासूस जो है ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है तो लड़की से भी उसने बात की होगी, तो ये चैट जो है वो रियल लग रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और बंदी के साथ इस तरीके से कर रहा है, मैं तो सच बोलूँ यार ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो कि अरे कभी कभार दोस्त भी नहीं होते ना किसी के, तो भी लड़का लोग ना, मैं लड़की हूँ तो इसलिए समझ सकती हूँ, कुछ लड़का लोग ये मैं इसको जानता हूँ, मैं तुझे मिलवा दूंगा, तू आ जा, तुझे मैं मिलूंगा, तू मुझसे मिल लेना, फिर क्या क्या करते हैं लड़कियों के साथ, लड़कियां समझ सकती है क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और लड़के भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी आपका क्या कहना है आप बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।